हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अब जो है हम लोग बैक्टीरियोलॉजी की जितने भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं, जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। और आज हम लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया है, वो है सिजेला। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं। इस टॉपिक से बेस्ड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है फुल क्वेश्चंस भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कि स्पेशली आप लोगों को बेसिलरी डिसेंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, जो सिजेला जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा काउज होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इस सिजेला को काफी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड प्लीज कंटिन्यू टू वॉच द होल टॉपिक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, so what is Shigella? We know Shigella is the causative organism of bacillary dysentery. क्या कॉज करता है? बेसिलरी डिसेंट्री, मतलब जिसमें डायरिया वगैरह होती है, ब्लडी डायरिया। इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। देखिये, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को लेंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगा जो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में इजीली लिख के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सब ग्रुप्स हैं और उन सब ग्रुप्स में बहुत सी चीजें मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिजेला क्या है? इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। ओके, एक तो ये बेसिक सी चीज हुई। तो क्या काउज करता है? ये बेसिलरी डिसेंट्री काउज करता है। और अगर इसकी जो है मतलब बेसिलरी डिसेंट्री जो है काउज बाय सिजेला, एंड दिस सिजेला मतलब ये रहता कहां? क्योंकि डिसेंट्री काउज करता है मतलब कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। क्यों? कहीं ना कहीं वो इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन को परफोरेट करेगा, तब जाकर के वो डिसेंट्री काउज कर सकता है। मतलब ये कहां पे रहेगा? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। मीन्स दिस सिजेला द ऑर्गेनिज्म इज द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। क्या ये पैरासाइट है? मतलब कहां पे रहेगा? एक्सक्लूसिवली ऑन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ओके, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहेगा और वहां से अपनी फूड यानी कि न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा, मतलब वहां से न्यूट्रिशन लेगा और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। कहां पे? लाइफ साइकिल को वहां से कंप्लीट करेगा। मतलब देखिए, बेसिक सी चीजें क्या हो सकती है? अगर सिजेला के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिलरी डिसेंट्री काउज करता है। अगर आपको ये बेसिलरी डिसेंट्री काउज करता है और कहां पे रहेगा? डिसेंट्री काउज करता है तो मतलब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहेगा, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट है तो वहां से फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और वहां पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। देखिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है मतलब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में है तो मतलब कहीं ना कहीं फीकल मैटर से ये बाहर भी आएगा, तो फीसेस के द्वारा ये बाहर आ सकता है। फीसेस के द्वारा ये बाहर आएगा, और जब ये फीसेस के द्वारा बाहर आएगा तो यह क्या कर सकता है? इट कैन कंटामिनेट फूड एंड वाटर। कंटामिनेट फूड एंड वाटर, ओके, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसमें आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं कि एक तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री, पैरासाइट ऑन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इफ इट इज द पैरासाइट, इट विल कम इन टू द फीसेस एंड इट विल कंटामिनेट फूड एंड वाटर, एंड इफ इट कंटामिनेट फूड एंड वाटर एंड बाय द कंजम्पशन ऑफ दीज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगेन द ऑर्गेनिज्म विल कम ऑन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड विल काउज डिसेंट्री। क्या काउज करेगा? डिसेंट्री काउज करेगा। ओके, ये बेसिक सी चीज हो गई, राइट। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? स्टेन कर सकते हैं। तो स्टेन करेंगे कैसे? मतलब देखने के लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो स्टेन करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ग्राम स्टेन, और ये ग्राम स्टेनिंग में क्या होती है? ग्राम नेगेटिव होती है। क्या होती है? ग्राम नेगेटिव होती है, राइट, ग्राम नेगेटिव है। और ये रॉड शेप कहीं दिख रही है आपको? कैसी दिख रही? रॉड शेप दिख रही है।
जैसे दिख रही है रॉड शेप दिख रही है, जैसे मैंने आपको बोला वो रॉड शेप है। और क्या होती है ये रॉड शेप? नॉन कैप्सुलेटेड। क्या है ये? नॉन कैप्सुलेटेड। और क्या है ये? नॉन स्पोरिंग है। नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग मतलब कोई स्पोर नहीं बनाएगा, कोई कैप्सूल नहीं होगा इसमें, राइट? सो व्हाट वी कैन से, सीजेला इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री, दीज आर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, दीज आर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विच appears as rod shape and is non-capsulated and non-sporing. Okay friends, so this is the basic thing that we can remember from here. Now we will study कि इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या आती है, कौन कौन से टाइप्स हैं, उन सारी चीजों की बात करते हैं और ओवरऑल पूरा सिलसिला ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हम लोग। ओके, लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन में जो है इसको चार सब ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने? ऑन द बेसिस ऑफ फोर सब ग्रुप्स एंड दीज सब ग्रुप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। देखिए बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली सीजेला को चार सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और वो बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल की अगर मेनली हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मेनिटॉल फर्मेंटेशन के बेसिस पे, क्या मेनिटॉल फर्मेंटेशन की बेसिस पे सीजेला को चार सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। मतलब कुछ हो सकता है मेनिटॉल फर्मेंटेशन पॉजिटिव एंड कुछ हो सकता है मेनिटॉल फर्मेंटेशन नेगेटिव। अगर मेनिटॉल फर्मेंटेशन मतलब मेनिटॉल का फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगा, मींस मेनिटॉल फर्मेंटेशन इज नेगेटिव, और वो नेगेटिव में आपका आता है सब ग्रुप ए। कौन सा? ए। और मेनिटॉल फर्मेंटेशन पॉजिटिव की बात करें तो बाकी आपके पॉजिटिव की बात करें तो कौन सा सब ग्रुप आएगा? सब ग्रुप बी सी एंड डी। ओके, ये बी सी एंड डी। तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में चार सब ग्रुप में डिवाइड किया गया और वो चार सब ग्रुप कौन सा है? ए बी सी एंड डी, राइट फ्रेंड्स? So these four subgroups are classified on the basis of biochemical and serological specificity. And if we talk about the mannitol fermentation, the subgroup A is mannitol fermentation negative. That means it can ferment the mannitol. And subgroup B, C and D are mannitol fermentation positive. Right? So ये subgroup है. अब इन subgroup के बारे में अलग-अलग थोड़ा सा देखिए कि subgroup A, subgroup B, subgroup C and subgroup D. मैंने यहाँ पे लिख के रखा है थोड़ा सा इजी होने के लिए, क्योंकि काफी टिपिकल है, थोड़ा याद रखना, आप लोग बार बार पढ़िएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए subgroup A जो है आपका डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा? सीगा के द्वारा। कौन था? सीगा के द्वारा। सीगा ने subgroup A को 15 सीरोटाइप में डिवाइड किया था। कितने? 15 सीरोटाइप में डिवाइड किया था। ओके, और दूसरी बात, सब ग्रुप बी को डिवाइड किया गया था किसके द्वारा? फ्लेक्सनर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेक्सनर के द्वारा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सीजेला फ्लेक्सनरी। जैसे आपका सीगा ने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन इसका नाम दिया गया था सीजेला डिसेंट्री, क्योंकि यही सब ग्रुप है जो मोस्ट कॉमन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉजेशन ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री के लिए दिस ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड सब ग्रुप ए में कितने सीरोटाइप है? 15 सीरोटाइप है। दूसरा है सब ग्रुप बी को डिस्क्राइब किया था किसने? फ्लेक्सनर ने, इसलिए इसको नाम दिया गया सीजेला फ्लेक्सनरी। क्या? सीजेला फ्लेक्सनरी। और कितने सब ग्रुप में क्लासीफाई किया इसको? सीरोटाइप में, 6 सीरोटाइप में क्लासीफाई किया।
सिक्स सीरोटाइप में, और भी इसमें सिक्स सीरोटाइप के साथ साथ दो और सीरोटाइप में क्लासिफाई किया गया जिसको बोलते हैं एक्स एंड वाई राइट। तो फ्लेक्सनर ने इसको क्लासिफाई किया। अब एक चीज और देखिए, जो सब ग्रुप बी है मेनली किसका फॉर्मेशन करता है, गैस फॉर्मेशन का, मतलब पेट में जो गैस बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सब ग्रुप बी, और बेसिलिटी डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल था मेनली सब ग्रुप ए राइट। अब उसके साथ साथ एक है सब ग्रुप सी, सब ग्रुप सी को जो है क्लासिफाई किया गया था या फिर सब ग्रुप सी को डिस्क्राइब किया था किसने, बॉयड ने, किसने, बॉयड ने, ये नेम है तो बॉयड ने इसको क्लासिफाई किया गया था, इसलिए इसका नाम है बॉयडी, क्या नाम, बॉयडी राइट। अब इसमें टोटल आपका 19 सीरोटाइप है, कितना, देयर आर टोटल 19 सीरोटाइप इन सब ग्रुप सी ओके। अब एक बजे सब ग्रुप डी, सब ग्रुप डी में जो है आपका जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व था उसका नाम था सोने, कौन था, सोने। तो सब ग्रुप डी वाज नेम्ड अकॉर्डिंग टू सोने, और इस सोने ने इसको कितने सीरोटाइप में क्लासिफाई किया, दो सीरोटाइप में, जिसको इसने नाम दिया था फेज वन एंड फेज टू, फेज टू ओके। तो ये हो गई। अब ये सब ग्रुप डी जो है मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है माइल्ड डिसेंट्री के लिए, माइल्ड बेसिलरी डिसेंट्री के लिए, माइल्ड बेसिलरी डिसेंट्री के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बहुत ज्यादा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब क्या याद रखना है क्लासिफिकेशन में, ओवरऑल दो क्लासिफिकेशन दी गई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैनिटोल फर्मेंटेशन। कुछ जो आपकी सब ग्रुप ए है वो नेगेटिव होगी, बाकी बी सी एंड डी क्या है, मैनिटोल फर्मेंटेशन पॉजिटिव है, तो उसके बेसिस पे इसको सब ग्रुप ए एंड बी सी एंड डी, मतलब मैनिटोल फर्मेंटेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहा गया। अब सब ग्रुप ए की आपकी स्पेशलिटी क्या थी, ये बेसिलरी डिसेंट्री के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, कितने 15 सीरोटाइप थे। सब ग्रुप बी आपका जो है गैस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, 6 सीरोटाइप थे एंड फर्दर एक्स एंड वाई, और सब ग्रुप सी जो है इसमें 19 सीरोटाइप थे एंड सब ग्रुप डी में फेज वन एंड फेज टू था, और ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, माइल्ड बेसिलरी डिसेंट्री के लिए, मतलब इससे थोड़ा सा कम राइट। अब देखिए एक तो ये हो गया, अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी देख लें, इसकी क्लासिफिकेशन देख लें, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके टॉक्सिन्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉक्सिन हैं इसमें। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स मिलते हैं। तो देखिए टॉक्सिन में आपका तीन टॉक्सिन है मेनली, एक है इंडो टॉक्सिन, दूसरा एक्सोटॉक्सिन और तीसरा आपका वीरियो टॉक्सिन। क्या, इंडो एक्सो एंड वीरियो टॉक्सिन, ये तीन टाइप के टॉक्सिन आपका सिजेला की जो सब ग्रुप है वो प्रोड्यूस करती है। तो इंडो टॉक्सिन ये क्या करता है, ये सबसे पहले काउज करता है आपका डायरिया। बहुत ज्यादा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक सी चीजें याद रखिए कि ये डायरिया काउज करेगा, और क्या काउज करेगा, इंटेस्टाइनल अल्सर ओके। डायरिया एंड इंटेस्टाइनल अल्सर कॉज्ड बाय इंडोटॉक्सिन। अब दूसरा है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोटॉक्सिन को बोलते हैं सिजेला इंट्रोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, सिजेला इंट्रोटॉक्सिन ओके। अब देखिए ये सिजेला इंट्रोटॉक्सिन होता है दो टाइप का, कौन सा, सिजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप वन एंड सिजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप टू ओके। ये दो सब टाइप है कह सकते हैं, सिजेला एक्सोटॉक्सिन का या सिजेला इंट्रोटॉक्सिन का, टाइप वन एंड टाइप टू। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको जो सब ग्रुप बी के बारे में बताया था उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट और एड करते हैं। ये क्या है, सब ग्रुप बी, कितने सब ग्रुप थे सिजेला में, चार सब ग्रुप थे, कौन से, ए बी सी एंड डी ओके। अब जो इस सब ग्रुप बी में आपका था, मैंने आपको बताया था कितने सीरोटाइप थे, सिक्स सीरोटाइप थे, हाउ मेनी सीरोटाइप वाज देयर, सिक्स सीरोटाइप्स। अब उस सीरोटाइप्स में
जो इसको क्लासिफाई किया गया था, मतलब जो हर एक सीरोटाइप है उसके दो सब टाइप थे, वो मैंने आपको वहां पे नहीं बताया था, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो सिक्स सीरोटाइप थे, अमंग दीज सीरोटाइप्स इस सीरोटाइप है टू सब टाइप जिसका नाम दिया गया था 1A, जिसका नाम है 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B एंड सो ऑन, 6A, 6B तक होगा, मतलब हर एक सीरोटाइप का दो सब टाइप 1A एंड 1B, उसी तरह से दूसरे सीरोटाइप का 2A एंड 2B। अब देखिए जो इंट्रोटॉक्सिन में आपका सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 1 एंड टाइप बी था, वो किसमें मिलेगा आपका, वो जो मिलेगा सीजेला इंट्रोटॉक्सिन 1 मिलेगा आपका सब ग्रुप बी का 2A में, किसमें मिलेगा 2A में सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 1 मिलेगा, और बाकी सारे जितने भी हैं आपका, मतलब 6 सीरोटाइप में, सारे 6 सीरोटाइप में ये आपका सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 2 मिलेगा। ओके, कौन कौन से सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 1 सिर्फ और सिर्फ 2A में मिलेगा, स्पेसिफिक है ये, और दूसरा इंट्रोडॉक्सिन जो है टाइप 2 ये सारे में मिलेगा, ऑल 6 सीरोटाइप। ओके, ऑल 6 सीरोटाइप। अब दूसरा जो है आपका है वीरियोटॉक्सिन। अब वीरियोटॉक्सिन कितने टाइप का है, तो वीरियोटॉक्सिन 2 टाइप का है, एक है VT1 एंड दूसरा आपका VT2। ओके, VT1 एंड VT2। अब इस VT1 में भी इसका 2 सब टाइप है, एक है आपका A, दूसरा है B, A एंड B, राइट। देखिए अब ये टाइप VT1 एंड VT2 हो गया, और VT1 में स्पेशली कौन सा मिलता है, A एंड B, VT1A एंड VT1B। अब ये जो है वीरियोटॉक्सिन, ये काउस क्या करता है, हिमोरेजिक कोलाइटिस, क्या काउस करता है, हिमोरेजिक कोलाइटिस, मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन विद प्रेजेंस ऑफ ब्लड, मतलब यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट होगा, स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, इसलिए क्या हिमोरेजिक है, ब्लड है, और इसके साथ साथ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इंट्रोटॉक्सिन में आपको याद रखना है क्या, ये डायरिया एंड इंटेस्टाइनल अल्सर काउस करता है। एक्सोटॉक्सिन में आपका 2 सब टाइप है, मतलब सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 1 एंड सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 2। 1 मिलता है 2A में, बाकी सारे में कितने मिलते हैं, ये ऑल सीरो टाइप्स में, क्या मिलते हैं, सीजेला इंट्रोटॉक्सिन टाइप 2। और वीरियोटॉक्सिन जो है हिमोरेजिक कोलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें क्या है, वीरियोटॉक्सिन टाइप 1 एंड वीरियोटॉक्सिन टाइप 2, और इसमें आपका A एंड B हो गया। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये इंट्रोटॉक्सिन मिलते हैं हमारे किसमें, इन सब ग्रुप्स में, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या काउज करेगा, ये काउज करेगा आपका, क्या काउज करेगा, बेसिलरी डिसेंट्री। ओवरऑल स्टार्टिंग से हमने बात किया था कि जो आपका सीजेला है, दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री एंड दैट हैज 4 सब ग्रुप्स A, B, C, and D, एंड उन सब ग्रुप में भी आपके ये सारे इंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, बेसिलरी डिसेंट्री के लिए। तो अब एक बार हम ओवरऑल इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है आपका कैसे इंटेस्टाइन में आया, कैसे इन्वेड किया, कैसे इन्फ्लामेशन हुआ और कैसे ब्लीडिंग हुई, तो उन सारी चीज को एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ओके, ये जो है अब जो है हम लोग देखते हैं क्या इसकी पैथोजेनेसिस की, किसकी, सीजेला की पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो देखिए पैथोजेनेसिस को आपको पढ़ने के लिए आपको जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या याद होने चाहिए कि सबसे पहले डिजीज कौन सी है, तो आप सबको पता है कि डिजीज द काउज बाय दिस सीजेला इज बेसिलरी डिसेंट्री। कौन सा, सारी खेल जो है बेसिलरी डिसेंट्री पे ही खत्म है, इसमें बेसिलरी डिसेंट्री कौन सा है, डिजीज That is bacillary dysentery। अब होस्ट कौन सा है, मतलब किसको इन्फेक्ट करता है या किसमें ये रहता है, तो ह्यूमंस में, ह्यूमन इज द ओनली नेचुरल होस्ट, ओनली मतलब पूरी लाइफ साइकिल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीजेला क्या है, ये पैरासाइट है,
पैरासाइट है किसका, ह्यूमन इंटेस्टाइन का। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही रहेगा, वहीं पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, तो ह्यूमन इज द नेचुरल होस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ओके, अब मोस्ट सीवियर टाइप, मैंने आपको जब इसके सब टाइप में जब बता रहा था तो आपको पता था कि मैं बता रहा था कि जो आपका सब टाइप ए है, कौन सा सब टाइप या सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, कौन सा सब ग्रुप ए, ये कौन सा मोस्ट सीवियर टाइप है, मोस्ट सीवियर टाइप, राइट, डिसेंडरी डिसेंडरी का टाइप जो है ग्रुप ए, ये मोस्ट सीवियर है। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, इंक्यूबेशन पीरियड होती है मेनली अगर बात करें तो ये होती है कितनी, 48 आवर्स, 8 आवर्स, बट एवरेज की बात करें कि मतलब कितने दिन तक वेरी कर सकती है, तो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 7 days, 1 to 7 days तक इसकी क्या हो सकती है, इंक्यूबेशन पीरियड वेरी कर सकती है। अब इन्फेक्टिव डोज की बात करें, मतलब कितने बेसिलाई होंगे तो ये इन्फेक्शन काउज कर सकता है और उससे नीचे इन्फेक्शन काउज नहीं कर पाएगा। तो आपका मिनिमम जो है बेसिलाई सीजेला की कितनी चाहिए, 10 to 100 बेसिलाई। अरे हाँ, इसके नीचे ये इन्फेक्शन काउज नहीं कर पाएगा या इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं होगी। तो मेनली जो चाहिए आपका 10 to 100 बेसिलाई चाहिए। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ह्यूमंस में इन्फेक्शन कैसे आया, तो कैसे आया, ये पैरासाइट ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है, फीकल मैटर में आएगा, फीकल मैटर से किसको कंटामिनेट करेगा, फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करेगा, एंड फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करते हुए कहां पे, ह्यूमन के फिर इंटेस्टाइन में आ जाएगा जब उस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को ह्यूमन कंज्यूम करेगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल पॉइंट हो गई कि जो है आपका डिजीज कौन सा है, बेसिलरी डिसेंट्री, होस्ट कौन सा है, ह्यूमंस, अब सीवियर टाइप सब ग्रुप ए, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 days, इन्फेक्टिव डोज 10 to 100 बेसिलाई, एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, तो ये इसकी जो पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं पैथोजेनेसिस में। अब देखिए हुआ क्या, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये बेसिलाई आया, कहां पे आया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आया, तो इंटेस्टाइन की जो आपकी एपिथेलियल सेल्स है, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स है इसको इन्फेक्ट करेगा, इसको इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स को, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इंटेस्टाइन में आया और एपिथेलियल टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा या इन्वेड करेगा। अब वहां से इन्फेक्ट करने के बाद में जो आपका इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है, अगर हम इंटेस्टाइन को यहां पे बनाएं तो आपका देखिए इंटेस्टाइन इधर से ऐसे आया, राइट, कुछ ऐसा हमारा इंटेस्टाइन है। तो ये पार्ट जो है ये कौन सा है, टर्मिनल इलियम है, ड्यूडेनम जेजनम एंड इलियम, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, टर्मिनल इलियम, और ये क्या है आपका, ये पूरा पार्ट कोलोन है, कोलोन है, और उस कोलोन में भी ये आपका असेंडिंग कोलोन है, ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, ये कौन सा पार्ट है, डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन। अब इस डिसेंडिंग कोलोन को या इसके डिस्टल पार्ट को, ये लास्ट वाली पार्ट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट, ये स्टार्टिंग वाली पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट, और ये आपका ट्रांसवर्स पार्ट तो है ही। तो देखिए क्या हुआ कि जो आपका ये सीजेला आया तो सबसे पहले क्या क्या, एपिथेलियल टिश्यू को इन्फेक्ट किया, इन्वेड किया,
और इन्वेट करने के बाद में सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट जो है इंटेस्टाइन का, वो जो इन्वॉल्व होगा वो आपका मोस्ट कॉमन पार्ट जो है आपका जो इन्वॉल्व हुआ वो है टर्मिनल इलियम और दूसरी पार्ट जो है आपका डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल कोलोन को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, किसको? डिस्टल कोलोन को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। अब इन पार्ट्स के ये सराउंडिंग पार्ट में फैलेगा, जो आपका इंटेस्टाइन का सराउंडिंग पार्ट है उसको बोलते हैं लेमिना प्रोपिया को इन्वेड करते हुए इन पार्ट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा और वहां पे क्या कॉज करेगा, इन्वेड कर देगा तो वहां पे ये कॉज करेगा नेक्रोसिस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कोलाइटिस का बताया था, तो कोलाइटिस में क्या बताया था, हिमोरेजिक कोलाइटिस। हिमोरेजिक में क्या आएगा, ब्लड आएगा और इन्फ्लामेशन होगी। तो ये नेक्रोसिस के साथ साथ हिमोरेजिक कोलाइटिस और क्या करेगा, मतलब इन्फ्लामेशन करेगा। एंड ओवरऑल ये क्या कॉज करेगा, डिसेंट्री, मतलब क्या होगा, डायरिया होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे इसके क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कहां आया, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में ये इन्वॉल्व किया एपिथेलियल टिश्यू को, और उस इंटेस्टाइन में भी मेनली जो है ये इन्वॉल्व किया आपके टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम एंड कोलोन को, और वहां से सराउंडिंग पार्ट यानी लेमिना प्रोपिया में चला गया और क्या कॉज किया, डायरिया, नेक्रोसिस, हेमरेजिक कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन एंड डिसेंट्री। सो दिस इज द ओवरऑल पैथोजेनेसिस ऑफ दिस बैक्टीरिया। नाउ वी विल स्टडी द लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो आप देखिए इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, चलिए अब जो है इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट की भी बात साथ कर लेंगे। तो देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कहाँ का इन्फेक्शन है, और वहीं से हम स्पेसिमेन भी ले सकते हैं। तो आपको पता है ये क्या कॉज करता है, बेसिलरी डिसेंट्री, और डिसेंट्री कॉज करता है तो मतलब कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया जो है या बेसिलाई जो है किसमें, आपके फिशेस में भी आ सकता है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन जो हम ले सकते हैं वो किसका स्पेसिमेन ले सकते हैं, फिशेस का स्पेसिमेन ले सकते हैं, ठीक है, फिशेस का स्पेसिमेन ले सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, रेक्टल स्वैब ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर्स, जो अल्सर कॉज कर रहा था, डायरेक्ट बायोप्सी ऑफ अल्सर वहां से हम क्या ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, रेक्टल स्वैब भी ले सकते हैं बट नॉट प्रिफर्ड मच, एंड फीसेस कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर द माइक्रोस्कोपिक एंड फर्दर स्टडीज, राइट। अब जब हम स्पेसिमेन ले लेंगे, फीसेस लेंगे, रेक्टल स्वैब ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं फ्रॉम द अल्सर, तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट में डिले नहीं करना है, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट शुड बी डन एंड दैट शुड बी इनोकुलेटेड विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके। अब जब ट्रांसपोर्ट कर दिया, और उस ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल मीडियम यूज होता है वो है सैक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, क्या आपको याद करना पड़ेगा, ये सैक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है, इसको यूज करते हुए इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, और ये स्पेसिमेन ले लिए। अब जब हम ट्रांसपोर्ट कर लिए तब हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिख जाएगा, माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे पस सेल्स दिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स, और क्या दिख सकते हैं, मैक्रोफेजेस दिख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे, और क्या दिख सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स दैट इज द आरबीसी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था क्या हो रहा था,
ये क्या हो रहा था, अल्सर्स, अल्सर से क्या हो रहा था, ब्लीड हो रहा था, मतलब कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन के साथ साथ हिमोरेजिक था, तो ब्लड के साथ साथ इन्फ्लामेशन था, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड आ सकता है बाहर, तो उसमें क्या दिखेगा, इरिथ्रोसाइट दिख जाएगा, बहुत सारे पस सेल्स होंगे, मैक्रोफेज होंगे और इरिथ्रोसाइट दिख सकते हैं। अब देखिए ये स्पेसिमेन लिए, तो इन स्पेसिमेन को हम कल्चर भी कर सकते हैं, तो कल्चर कौन कौन से मीडियम में कर सकते हैं, एक तो आपका मेकोम किएगा, दूसरा डीसीए और एक्सएलडी आएगा, तीसरा सलाइन एंड ब्रोथ, एक तो ये तीन मीडियम होगी जो यूज किया जाता है। और दूसरा स्पेशल मीडियम कौन सा, ये स्पेशल मीडियम, कुछ स्पेशल मीडियम जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक तो सीजेला एंड एक हम लोग आगे और पढ़ेंगे सालमोनेला के बारे में, तो वो यूज होता है, तो वो कौन सा है, एसएस अगार, मतलब सीजेला, सीजेला एंड उसके साथ साथ सालमोनेला, सालमोनेला अगार, ये क्या है, स्पेशल मीडियम है जो इसके लिए यूज कर सकते हैं सीजेला की कल्चर के लिए। और एक है हेकोन्टन एंट्रिक अगार, क्या है, हेकोन्टन एंट्रिक अगार, ये दो मीडियम है जो स्पेशल मीडियम है जो स्पेशली यूज करते हैं आपका सीजेला के लिए। ओके, अब दूसरी चीज, हमने स्पेसिमेन ले लिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसमें सेक्स बफर ग्लिसरॉल सलाइन में, और माइक्रोस्कोपी कर लिए, कल्चर कर लिए, अब अगर हम इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी मतलब जो है ये कैसा दिखेगा, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी दिखेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने ये मीडियम यूज किया था कौन सा, मेकोंग की अगार, जो कल्चर मीडियम यूज किया था मेकोंग की अगार, तो इसमें ये कैसा दिखेगा, कलरलेस बेसिलाई कैन बी सीन, कैसा, कलरलेस, कलरलेस बेसिलाई कैन बी सीन इन मेकोंग की अगार। ओके, अब इसके साथ साथ और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी किसमें देख सकते हैं, आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं, करते हैं ना, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग में कैसा बेसिलाई था, ग्राम नेगेटिव, कैंसर है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई था। और क्या कर सकते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम लोग एक और टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हैंगिंग जो आप लोग अभी अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी परफॉर्म करते होंगे, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करते हैं, दो स्लाइड देते हैं हम लोग हैंगिंग ड्रॉप में, सबसे पहले एक स्लाइड देते हैं हम लोग, एक स्लाइड में हमने क्या किया, ये इसको हम लोगों ने क्या आटा वगैरह यूज करके एक वो बनाते हैं, जहां पे हम लोग अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं किसका, इस सीजेला या फिर जिस स्पेसिस का हम लोग देखना चाह रहे हैं मॉर्फोलॉजी, और जो भी मीडियम यूज करते हैं उसकी कल्चर के लिए, वहां से निकाल के एक ड्रॉप यहाँ पे डाला, और इसके ऊपर में हम लोग क्या डालते हैं, आपकी जो है स्लाइड डालते हैं और उसको पलट देते हैं, तो क्या हो गया, उसके बाद ड्रॉप क्या हो जाएगी, हैंग कर जाएगी, तो फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। और तीसरी चीज जो है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है, दिस इज द एंटीजन एजी और एंटीबॉडी आईजी इम्यूनोग्लोबिन, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ये क्या एग्लूटिनेशन टेस्ट है, और स्लाइड में करना है इसलिए स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीसीरा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एंटीसीरा, जैसे आप लोग ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं ना एंटीसीरा अलग अलग, तो इसी तरह से यहाँ पे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में भी हम लोग एंटीसीरा यूज करते हैं, और वो एंटीसीरा या तो मोनोवेलेंट हो सकता है या वो हो सकता है क्या पॉलीवेलेंट, क्या हो सकता है पॉलीवेलेंट, राइट। इस मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट एंटीसीरा का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एंटीसीरा का यूज करते हुए हम लोग स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, और ये स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट इस स्पेसिफिक जो है वो सब ग्रुप किसके लिए, सब ग्रुप आपका ए बी एंड सी, चार सब ग्रुप थे ए बी सी एंड डी, लेकिन स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो ए बी एंड सी के लिए करते हैं। अब उसके साथ साथ एक और है
कोलिसीन टाइपिंग, क्या है कोलिसीन टाइपिंग, तो ये यूज करते हैं आपका सब ग्रुप डी के लिए, किसके लिए, सब ग्रुप डी के लिए। ओके एक बार फिर से देखिए, स्पेसिमेन आपको पता है इंटेस्टाइनल इंफेक्शन है या इन्वॉल्वमेंट है, तो हम फीसेस ले सकते हैं, रेक्टल स्वैब ले सकते हैं, डायरेक्ट बायोप्सी ऑफ द अल्सर्स ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम सेक्स बफर ग्लिसरॉल सेराइन इमीडिएट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे पस सेल दिख जाएंगे, मैक्रोफेज दिख जाएंगे, इरिथ्रोसाइट दिख जाएंगे, कल्चर मीडियम, ये सारे कल्चर मीडियम स्पेशली जो है स्पेसिफिक मीडियम एसएस अगार मतलब सिजेला सालमोनेला अगार एंड हेपेटाइटिस इंट्रिक अगार, ये दो स्पेशल मीडियम का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैकोंग की अगार की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में कलरलेस बेसिलाई दिखेगा, कैसा कलरलेस बेसिलाई, ग्राम स्टेनिंग में तो आपको पता ही है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, और हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी इसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया मोबाइल है या इमोबाइल है, वो सारी चीज सारी प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और उसके बाद स्लाइड एग्लुटिनेशन टेस्ट में मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट एंटीसेरा का यूज करते हैं फॉर द सब ग्रुप ए बी एंड सी, और कोलिसीन टाइपिंग यूज करते हैं सब ग्रुप बी के लिए। ओके तो ये हमने बात कर ली लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, अब थोड़ा सा क्या देखिए इसका ट्रीटमेंट देखिए, क्योंकि हमने डायग्नोसिस कर लिया और हमें पता चल गया कि क्या है बेसिलरी डिसेंट्री है, डायरिया है और क्या है अल्सर हो गई है, तो उसके बेसिस पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे। तो हमें क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले तो डायरिया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, तो डायरिया में क्या होता है आपका बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो उसके उससे बचने के लिए हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट में क्या देंगे आपका एनएस दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं, है? जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होगा, स्पेशली क्या दे सकते हैं आरएल दे सकते हैं, राइट तो ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए दे सकते हैं। बच्चों में अगर डायरिया हुआ तो ये चीजें बहुत जरूरी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट और आपका आरएल यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बहुत जरूरी है, राइट। अब इसके साथ साथ और देखिए ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, मतलब क्या है बेसिलाई है, बैक्टीरिया है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। तो वो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग, हम लोग यूज कर सकते हैं आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहला सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और क्या यूज कर सकते हैं सेफ्ट्राइजोन, ट्राइजोन, और तीसरा क्या यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और एक बहुत अच्छा नॉरफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन। इसकी डोज कितनी देनी है, कब कब देनी है, ये सारा चीज आप लोग जो है मेडिसिन में भी पढ़िएगा, आगे आपका फार्माकोलॉजी में भी पढ़िएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आपको याद रखना चाहिए सिर्फ क्या डिसेंट्री है, डायरिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे और साथ साथ जो है एंटीबायोटिक थेरेपी सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्राइजोन, एजिथ्रोमाइसिन एंड नॉरफ्लोक्सासिन देंगे। देखिए हम लोगों ने पूरी टॉपिक की बात कर ली और हम लोगों ने यहाँ तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने सिजेला के बारे में पढ़ा, तो सिजेला में सबसे पहली चीज और आखिरी चीज जो आपको अब तक याद रखनी है वो है इसका कि क्या कॉज करता है, वो है बेसिलरी डिसेंट्री। अगर आपको बेसिलरी डिसेंट्री याद रह जाएगा तो बाकी सारी चीजें आप अपने आप भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो चार सब ग्रुप है, ठीक है तो क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद टॉक्सिन की बात कर लिए थे, इंडोटॉक्सिन की बात किए थे, एक्सोटॉक्सिन की बात किए थे, वीडियोटॉक्सिन की बात किए थे, वीडियोटॉक्सिन में VT1 VT2 VT1 में भी ए सब टाइप बी सब टाइप, और उससे पहले हम लोग जो है एक्सोटॉक्सिन की बात किए थे, तो एक्सोटॉक्सिन में कौन कौन सा था सिजेला
इंट्रोटॉक्सिन, सीजेला इंट्रोटॉक्सिन में SHET1, SHET2 ये सारी बात किए थे, है ना। और ये सारा मिलके क्या कर रहा था, आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर रहा था, बेसिलस डिसेंट्री या डायरिया काउज कर रहा था। और ओवरऑल जब हमें ये चीजें पता चल गई तो उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते थे, डायग्नोसिस कर सकते थे। डायग्नोसिस में आपको पता ही है कि क्या क्या लेना है, ये आप जो स्पेसिमेन लीजिएगा और उसको पर्टिकुलर तरीके से आपका इलाइजा टेक्निक भी है, मैं बताना भूल गया कि एंटीजन डिटेक्शन के लिए इलाइजा टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, राइट। इलाइजा टेक्निक में आपका जो है एक वीडियो जो मतलब टॉक्सिन रिलीज होता है उस टॉक्सिन को ये जो है डिटेक्ट करता है, राइट। तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए इलाइजा टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने आपको अदर्स पूरे बता दिए, एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में कैसे दिखेगी, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिखेंगे, कलरलेस कॉलोनीज इन मैकों की अगर दिख जाएगा, और फाइनली ये हम जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल बैक्टीरिया, दैट इज सीजेला, एंड विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।